हेलो एवरीवन, कैसे? उम्मीद करता हूँ दोस्तों बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। तो भाई आज अपन जा रहे हैं क्रॉल बाग मैं जा रहा हूँ यार। मेरे ये देख रहे हो साइड वाला, ये वाला शीशा ये निकल चुका है, तो इसी को मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। भाई निकल चुके हैं घर से, अपने साथ में एक परिंदे को और ले लिया है। वो परिंदा मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्योंकि अकेले तो यार मैं कहीं चलता ही नहीं हूँ, कोई ना कोई तो साथ में चाहिए भाई। और भाई गर्मी तो इतनी पड़ रही है कोई हिसाब नहीं। सीन आज कुछ इस तरीके का है कि भाई अपन जा रहे हैं मेरी क्रॉल बाग, और इसका जो मेरा राइट साइड का ये देख रहे हो ये निकल गया है यार। पता नहीं मैं रास्ते में जा रहा था, ये ढीला होगा ना, ढंग से करा नहीं है, तो ये मतलब कच्चा जुगाड़ कर रखा था, निकल गया है इसका। अब मैं जा रहा हूँ इसको दूसरा लगवाऊंगा या देखता हूँ जैसे भी क्या रहेगा। तो अपन करौल बाग ही जा रहे हैं, करौल बाग से ही मिलता है सारा सामान, मतलब आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। मिलता है इधर मेरे आसपास भी जाता है, पर उधर से ये है वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब काफ़ी दुकानें हैं ना, तो मतलब सामान मिल ही जाता है। और जितने भी यहाँ पर हमारे लोकल है जैसे आसपास में, जैसे वीरेंद्र नगर वगैरह हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मतलब वहीं से ले लेके आके ही लगाते हैं ये, तो रेट का भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, सामान भी ठीक ठाक मिल जाता है, मतलब वैरायटी मिल जाती है, ठीक ठाक है वैरायटी मिल जाती है देखने को। भाई जा रहा हूँ अब करौल बाग, वहाँ से लूँगा सामान, थोड़ा मतलब देखूँगा। आज संडे है, मैंने कहा संडे भाई वेस्ट तो करना नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया पहले की वीडियो में कि वीडियो बन ही नहीं पा रही थी जब से कैमरा लिया था, तो अब भाई रेगुलर वीडियो बनाएंगे सोचा तो है भाई, कोशिश तो पूरी रहेगी रेगुलर वीडियो बनाएंगे। आज संडे था, मैंने कहा आज बनाऊँगा ज़रूर, तो टाइम निकाल के आपको भाई निकल आया है। सामान देख लूँगा क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं सोलो राइड का प्लान कर रहा हूँ, सोलो राइड का प्लान है अपना। उससे पहले अपनी गाड़ी में छोटा मोटा काम है ना, वो थोड़ा बहुत करवा ही लेते हैं ताकि रास्ते में आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। देखो खड़े हुए मामा जी भी साइड में, पर भाई अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मतलब जाए तो जाए कहाँ पर, वही बात है ना, अभी देखते हैं। मैंने तो सोचा है ज़्यादा कि मनाली निकल लूँ, बाकी दोस्त यार कह रहे हैं कि देखते हैं अभी कहाँ का क्या प्लान बनता है। भाई गर्मी बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी, हाय गर्मी। टाइम में भी 4:30 बज रहे हैं और देख रहे हो धूप, सूरज मामा सर पे आगे बैठे हुए हैं। भाई कूलर लगा ले बाइक पे, है भाई कूलर लगा ले बाइक पे पीछे पानी डाल के खींचेगी नहीं, गर्मी इतनी पड़ रही है कोई हिसाब ही नहीं। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी तेरी है, देखो रेस हम भी लगा दे क्या? नहीं भाई गलत काम नहीं करना, गलत काम नहीं करना है, कह रहा ना भाई मिल ही जाता है कोई ना कोई एक आध, ऐसा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर कोई एक आध। खेसते हुए ले गया 310 है ये टीवीएस वालों की जो पीछे गई है, और आगे वाली तो है ही KTM, मतलब बिल्कुल साइड से खींचते हुए लेगा मेरा हाथ से, बिल्कुल खींचते हुए पीर बाबा की मजार। तो भाई आज संडे, आज टाइम थोड़ा सा मिल गया, मैंने कहा चलो निकल लेते हैं। प्यास लग रही है बहुत तेज, गर्मी बहुत है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं क्या बताऊँ आपको। अभी तो जून स्टार्ट नहीं हुआ है जब इतना बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। पहले तो ना यहाँ शिकंजी पीते हैं भाई, यहाँ पिए आगे पिए,
शिकंजी पीते हैं भाई, भाई के पास में भाई चलो शिकंजी पीते हैं, उतरो। तो भाई शिकंजी पी लेते हैं फटाफट से, गर्मी बहुत हो रही है। हेलो बोलो क्या नाम है भाई आपका? रोहित नाम है भाई का। तो भाई शिकंजी पी लेते हैं उसके बाद चलते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ शूट करता हूँ भाई, ब्लॉकिंग करता हूँ। तो भाई शिकंजी पी ली है हम लोगों ने ना, अब निकल गए हम लोग। यार गर्मी बहुत ज़्यादा है मेरे भाई, बहुत गर्मी है। फटाफट पहुँच जाता हूँ करोल बाग। तो गाइस करोल बाग में एंट्री कर ली है हमने, और अब मेरे को लेना है मिरर अपनी बाइक का। सो ऐसे तो मैं रोमियो की दुकान से लेता हूँ मेरे भाई, रोमियो। बाकी इससे पहले जो मेरे ये वाले मिरर थे ना, वो मेरे को सही रेट में मिल गए थे। मतलब मैंने वो कितने में लिए थे, 350 रुपये मिले थे। अभी तो मैंने ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ तो 450 रुपये कुछ के आ रहे हैं वो। तो अपन देखते हैं अगर कोई सस्ता बढ़िया जुगाड़ बन जाए वो। देखो भाई वो है शॉप भाई की, दोनों साइड से लग गया। हेलो, दोनों साइड से लग गया भाई। पर रोकते हैं इधर, चेक करते हैं, देखता हूँ उसको शीशा ऐप लगा के इसकी दुकान पे। यार ये साइड शीशा चाहिए। गाइस आ चुके हैं हम लोग रोमियो भाई के शॉप पर करोल बाग। देख सकते हैं यहाँ पर गाइज ये मिरर्स हैं, देखिए कई तरीके के। पर एक तो ये है, पर ये मेरी बाइक से मैच नहीं कर रहा है तो मैंने ये पसंद किया है शीशे के मिरर की जगह। मैं सोच रहा हूँ ये लगवा लूँ, तो अंकल ने भी ये गाइड किया कि ये लगवा लूँ। और किस कॉस्ट आ रही है 350 रुपये के आएंगे। आप मुझे बताना कैसे लग रहे हैं। और एक ये मिरर है, ये पहले मैं पहले लगवा चुका हूँ एक्चुअली। कहाँ पर है वो मिरर, कहाँ गया वो मेरा मिरर? ये है ये वाला, ये पहले मैं लगवा चुका हूँ। तो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसको, इस बार ये लगवाता हूँ। तो कैसा लग रहा है कमेंट में बताना इसको। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से परचेज कर लेता हूँ। ये भाई की शॉप है, देखिए यहाँ पे रोमियो भाई की शॉप है ये। यकील भाई आया भाई, हेलो भाई। तो भाई हम इसको ले ले रहे हैं, ठीक है इसको लगवाते हैं। अब भाई दो सामान लिया है हमने, ये देखो। तो ये लिया है प्लस ये लिया है, देखो ये चीज़ राइट में लगवाऊँगा यहाँ पे, उधर लगवाऊंगा इसके अंदर में ये, ताकि इसमें बैग वैग टांगने में प्रॉब्लम ना हो। ये लगवाएंगे यहाँ पे इसको, ठीक है। और ये मिरर का मेरा ये टूट चुका है गुटका, ये गुटके का मैंने भाई से बोला है इसको बेल्डिंग करके ना ढंग से लगाइए उसको, क्योंकि ये बार बार निकल जाता है। मेन कारण यही था इसका पहले का मैं निकलने का। और ये देखो पहले शीशा लगा हुआ है तो इसने वो निकाल दिया है। अब मैं इसको चेंज करवा रहा हूँ, दूसरा लगवाऊंगा इसके अंदर। भाई यामा बना रखी है भाई बंदे ने, देखो गाड़िया एक से एक है यहाँ पे। ये देखो काम चल रहा है भाई बढ़िया एकदम। निकल गया था एक बार क्या? हाँ निकल गया था, ठोक रहे भाई देखो ये। ये बार बार भाई ये लूज हो जाता है, ये बार बार इसलिए निकल जाता है ये।
आपका? मेरा नाम प्यारे लाल है। क्या नाम है भाई? प्यारे लाल। प्यारे लाल है भाई का नाम। प्यारे लाल भाई थोड़ा जल्द बढ़िया से कर देना, अंधेरा भी होने वाला है। देखो भाई अपनी टार्जन में लगवा रहे हैं, ये वाला लगवाऊंगा, इसके अंदर में वेल्डिंग करवा दी है, ये कुछ इस तरीके से लगेगा यू। देखो इस तरीके से कुछ है भाई। ये कह रहे हैं भाई, देखो ये कैसा लग रहा है, चेक करो भाई। तो गाइस हमने निकल गार्ड लगवा लिया, ये देखिए कुछ इस तरीके का है, ये भाई ने लगाई है इसने यहाँ पर, और वेल्डिंग करवा के लगाया। पहले क्या था वो लूज था, पहले लूज था और ये बढ़िया सब टाइट कर दिया गया है, उसमें मैंने वेल्डिंग करवाई है अंदर में, ठीक है, जुगाड़बाजी करी है। और अब राइट साइड में हम ये लगवा रहे हैं, ये रह गया हमारा, ये लगवा रहे हैं उसमें। गार्ड लगवा रहा हूँ उसके अंदर में, देखो अब ये सही है, हाँ पाँव फंसने का डर ना, कपड़े फंसने का। गाइस बताना आपको कैसा लग रहा है ये, कपड़े फंसने का डर इसका, वो नहीं होता पैर रखने वाला, वो नहीं होता है? है? हाँ जुगाड़ कर रहे हैं अलग से, ये जुगाड़ हो रहा है। भाई ये देखो ये जुगाड़ बनवाया हमने, बैग वैग पंजी बैग लगाने के लिए, देखो ये भाई ने जुगाड़ बनाया हमारे। तो भाई क्या क्या हुआ है गाड़ी के काम अपनी? ये नकल गार्ड लगाया इसमें। अच्छा गाइस चेक करो, ये साइड बैग के लाया है, बनाया है भाई ने ये, ये सब तो पहले से, ये पहले से लगा हुआ है। और बता दो एक बार, नाम फैजल लाल है और भैया ये काम करते हैं इनके पास में, रोमी ऑटो पे काम करते हैं ये, करोल बाग में है, और काफ़ी बढ़िया भाई ने काम करा है। जिस भी भाई को करवाना हो इनसे नंबर लेके इनसे कांटेक्ट कर सकता है।